हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यू वैकेंसी के बारे में। फ्रेंड्स, आपकी जो वैकेंसी निकाली गई है आपकी बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेंस सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आपकी न्यू वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपकी पुलिस सब इंस्पेक्टर की आपकी वैकेंसी निकाली गई है बिहार में। और आपकी जो एडवर्टाइज नंबर है वो आपकी 02/2023 है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप स्टेप बाय स्टेप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताया जाए डिटेल में। फ्रेंड्स, आपकी जो बिहार पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट 2023 आपके नोटिफिकेशन एलिजे हो गए हैं। 1275 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी में फॉर्म भरने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। इसके साथ ही आप फॉर्म भरने से पहले जो इसके नोटिफिकेशन है उसको एक बार रीड आउट आप जरूर कर लीजिए, जिसमें आपको आपकी जो एलिजिबिलिटी है, जो भी आपकी क्राइटेरिया है, वो आपको सभी डिटेल यहाँ देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर हम जाएंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप जो आपको रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी लैंग्वेज है, आप हिंदी में फॉर्म भरना चाहते हैं, इंग्लिश में, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए हुए हैं, जो में आपकी यहाँ पे जो कैटेगराइज आपकी मेल एंड फीमेल की आपकी यहाँ पोस्ट है, आपकी जो भी यहाँ एलिजिबिलिटी है, एज है, आपकी फीस है, वो सभी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इसको रीड आउट करने के बाद आप यहाँ डिक्लेरेशन आप यहाँ कर देंगे। उसके बाद आप प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन डिटेल है वो आपको भरनी होगी। तो कैंडिडेट का जो फर्स्ट नेम है वो आप भरेंगे, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, नहीं तो लास्ट नेम आप भर देंगे। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी है सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपके जो वैलिड मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ एंटर कर देने हैं। एंटर करने के बाद जो भी आपकी ईमेल वैलिड ईमेल आईडी है वो भी आपको वैलिड आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि आप अगर बिहार डोमेन सब स्टेट के अगर आप निवासी नहीं हैं तो आप सिंपली नो कर देंगे और इस कंडीशन में आप जनरल से ही काउंट होंगे। इसके बाद आपको जो आपका जेंडर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आप अगर बिहार में आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो यस करेंगे, तो नो करेंगे। आप अगर एक्स सर्विसमैन है आपको यस नो कर देना है। अगर आप डोमेंसल बिहार के निवासी हैं तो आप यस करेंगे और आपकी जो कैटेगरी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ एससी से अगर हम यहाँ भर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको ये लेके जाना होगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका जो जेंडर है वो आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे। आप अगर यहाँ बिहार के आपने गवर्नमेंट जॉब कराए यस करेंगे, उसके डिटेल आप यहाँ भर देंगे। उसके बाद आपकी अगर आप नहीं कराए नो करेंगे। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपके एक्स सर्विसमैन की आप डिटेल भरेंगे और अगर आपने यहाँ पे वर्क नहीं करा है सिंपली आप नो कर देंगे। उसके बाद प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको ये डिक्लेरेशन है वो आपको देख के रखा है रीड करने और आपको आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद अगर आपको कोई गलती लगती है एडिट एप्लीकेशन डिटेल पे आप जाएंगे और सही इसको कर लेंगे, सही है सब कुछ, तो आप यहाँ पे कैप्चर को भरेंगे और आपका जो अमाउंट है आपकी फीस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या वॉलेट, जिससे भी आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और अपनी जो भी आप अगर जैसे कि डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं अपनी कार्ड की डिटेल है वो आप भरेंगे। मेक पेमेंट पे आप क्लिक कर देंगे और आपका पेमेंट है वो आपका यहाँ सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपको यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपका आएगा कि आपकी सक्सेसफुली फाइन योर रजिस्ट्रेशन फॉर हैज बिन रिसीव आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। डाउनलोड आप इसको अपनी जो रिसिप्ट है आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आप कैंसिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ कैंसिल पे आप क्लिक कर सकते हैं और आपका जो रिफंड है वो आपको वापस मिल जाएगा। अगर आपका सब कुछ सही है आप कैंसिल नहीं करना चाहते तो प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन पे आप यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन दोबारा देखने को मिलेंगे। रीड करने के बाद आपको आई एग्री करना है। उसके बाद प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपको जैसे कि आपकी सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसके लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना जो फादर नेम है वो एंटर कर देना है। आपका जो मदर नेम है आप मदर नेम डालेंगे। आपका मेडिकल स्टेटस है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आपके जो भी आईडी
प्रूफ टाइप है तो आपकी आइडेंटिटी कार्ड आप टाइप यहाँ चूज कर लेंगे। उसके बाद आप ये चूज कर लेंगे आपकी आइडेंटिटी कार्ड नंबर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी बॉडी पे कोई मार्क्स है तो आप वो बॉडी पे आइडेंटिफाई मार्क्स आप यहाँ डाल देंगे, नहीं है तो सिंपली आप यहाँ नो मार्क्स कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आता है कि आप अगर फ्रीडम फाइटर वार्डेड तो आप यस करेंगे, आपकी डिटेल है वो आप यहाँ भर देंगे, नहीं है तो आप सिंपली इसको यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद आपकी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपके यहाँ पे आती है तो आप की जो मैट्रिकुलेशन है 10th तो उसकी डिटेल आप यहाँ भरेंगे। आपके स्कूल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो आप डालेंगे। आपकी पास सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ डाल देंगे। आपकी सर्टिफिकेट इशू डेट है, पासिंग ईयर है डेट, वो आप यहाँ पे आपको डाल देनी है। जब ये डाल देंगे उसके बाद आपकी जो ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नेम है वो आपको यहाँ डाल देना है। आपके पासिंग सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ डालेंगे। आपके सर्टिफिकेट इशू डेट, पासिंग ईयर एंड डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है। जब ये डिटेल सारी यहाँ डाल देंगे उसके बाद आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है पीजी आपने कर रखी है तो आप ये डिटेल भी इसी तरह यहाँ भर देंगे। उसके बाद आपका जो एड्रेस डिटेल है वो आपको भरनी है तो आपका परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो आपको यहाँ पे भरना होगा। तो आपकी जो अगर सेम है तो सेम एज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका विद हेयर इज सेम एज परमानेंट एड्रेस तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप सिंपली नो कर देंगे। आपका जो हाउस फ्लैट नंबर है वो आप डालेंगे। आपकी स्टेट, आपका विलेज, आपका नियरस्ट पोस्ट ऑफिस, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड नंबर है वो आपको सभी यहाँ डिटेल आपकी परमानेंट एड्रेस की यहाँ भर देनी है। अगर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भी आपका सेम है सेम एज करेंगे, नहीं तो आप अलग अलग इसको भर देंगे। उसके बाद आपकी जब ये सभी डिटेल आप यहाँ भर देंगे उसके बाद आपका आता है डिक्लेरेशन फॉर क्राइम केस अगर आपके ऊपर है तो आप यहाँ पे आपके जो पॉइंट्स है वो आप इनको रीड करके आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। उसके बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर है तो आपको इसका जो फोटो है वो आपको बता रखिए कि किस टाइप की आपकी फोटो होनी चाहिए, इसकी साइज है वो भी आपको बता रखिए। तो जेपीजी फॉर्मेट में आपकी फोटो होनी चाहिए, 100 KB से कम आपकी फोटो होनी चाहिए। फोटो है वो आपको फाइल पे जाना है, आपको ये फोटो है इस तरह आपको अपलोड करनी है तो ब्राउजर पे जाना है, फाइल सेलेक्ट करनी है, अपलोड आपको कर देनी है। इसी तरह आपकी जो इंग्लिश और हिंदी में आपके सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करनी है, इसके भी आपको साइज है वो आपको यहाँ पे बता के रखिए। तो अगर आप अपने जो साइन है वो आप इंग्लिश में करते हैं इंग्लिश में करेंगे, हिंदी में आपका सिंपल नाम लिख लेंगे, अगर आप हिंदी में करते हैं हिंदी में आप लिखेंगे और इंग्लिश में आपका जो नेम है वो आप लिख लेंगे और ब्राउजर पे जाएंगे, फाइल सेलेक्ट करेंगे और इसे अपलोड आप कर देंगे। उसके बाद प्रोसीड पे आप क्या क्लिक करेंगे तो आपके जो डिक्लेरेशन है वो आप यहाँ पे रीड करने या डिक्लेयर कर देंगे, कैप्चर कोड भरेंगे और कैप्चर कोड भरने के बाद आप यहाँ पे एडिट डिटेल है तो अगर आपको कुछ गलत है तो एडिट करेंगे, नहीं तो आप सीधा ही सबमिट डिटेल्स पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन 4 है प्रीव्यू सबमिटेड आपका आ जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, आपकी जो डिटेल है पूरी वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। प्रिंट का ऑप्शन आपको मिलता है तो आप अपना प्रिंट लेकर फ्यूचर उसके संभाल के रख सकते हैं। फ्रेंड्स अरे आपका जो फॉर्म है वो आपका कम्प्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी जो सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।